अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। न्यू मॉम शेनानिगंस में एक बार फिर से आपका खुश आमदीद। अच्छा जी, तो आज से हम जा रहे हैं बैक टू आर रूटीन। आज से नहीं, वैसे काफ़ी दिन हो गए इन टू आर रूटीन। अच्छा भी लग रहा है, अजीब सा भी लग रहा है, रमज़ान को मिस भी कर रहे हैं। तो जी, मैंने सोचा क्योंकि मेरे पास अभी भी बहुत सारे ऐसे स्निपेट्स हैं फ्रॉम ईद एंड रमज़ान जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, बल्कि मैंने रिकॉर्ड ही इसलिए किए थे लेकिन वो मैं शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग इंस्पो ये चीज़ें ईद से करीब जो हैं वो शेयर करनी थी। तो आज मैं आपको लेके चलूँगी अपने ईद के फोर्थ डे में, जब मेरे अम्मी और मेरे भाई आए थे और वी हैड क्वाइट अ फन डे। अली मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ यार। ओके गाइस, तो ये हम हो गए हैं रेडी। ये मैंने जो कुर्ता पहना है ये पिछले साल का है। देन अम्लू वाज ऑन हर वे और ये है लाइमलाइट का, मुझे बहुत पसंद है ये कुर्ता। इसके साथ मैंने ये ट्राउजर्स खुद ही पेयर किए हैं मिंट ग्रीन कलर के, ये हैं सफायर के। और ये जी हमारा बेबी बिल्कुल रेडी बैठा है यहाँ पे, सबने बाल छाल ख़राब कर लिए हैं। ये जी हमारी सवैया हो गई है रेडी और अब हम इसमें थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं, गार्निश कर रहे हैं। ईद पे जो मैंने सवैया बनाई थी ना, मतलब चांद रात में जल्दी जल्दी, उन बेचारी सवैयों के साथ हो गई थी गड़बड़ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मिल्क के जो कार्टन आए थे वो आए तो उसी वक्त फ्रेश थे और मैंने चेक करके भी डाले थे, मतलब मुझे उसकी स्मेल में कुछ ख़राब नहीं लगा था लेकिन प्रॉबेबली वो होने वाला था ख़राब। सो वो जो है कुछ सही नहीं बनी थी तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। आई रियली वॉन्टेड कि नहीं मुझे दोबारा बनानी है, चीज़ें भी रखी हुई थी। तो फिर मैंने झटपट, मतलब जो है वो इस वक्त कोई प्लान मेरा नहीं था बनाने का, लेकिन फिर मैंने फटाफट ये सवैयाँ बना ली थी और ये शुक्र अल्लाह का अच्छी भी बनी थी और बहुत चौक से भी खाई गई थी। गाइस काफ़ी ज़्यादा गर्मी है आज, मैंने बस क्विकली थोड़ा बहुत क्लीन अप कर लिया है और अब मैं वेट कर रही हूँ अम्मी और अदील का। यहाँ मैंने कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं किया, हमारी पेंटिंग्स भी ऊपर नहीं जा सकी हैं क्योंकि वी नीड अ क्लीन हथौड़ा। ये भी अभी अली जो है वो अमल के लिए कुछ बिस्किट्स लेके आए हैं क्योंकि आजकल अमल खाने में काफ़ी तंग कर रही है। सो या बस अब मैं वेट कर रही हूँ लोग का, जल्दी से लोग आ जाएं फिर हम थोड़ा साथ में इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। एंड दिस इज़ माय आज का लुक, वेरी देसी। या अभी मेरे बाल भी गीले भी रहे हैं ज़रा, मैंने जो अपना डाई कराया ना, मतलब जो रूट्स वगैरह कराई तो उन्होंने उसको पता नहीं कौन सा शेड कर दिया कि जो मैं कलर करवा के आई थी वो बिल्कुल ख़राब हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ रेडिश सा टोन कर दिया जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या मंगवाया है। तो जी आज के दिन हमने मंगाया था बारबेक्यू क्योंकि हमारा दिल नहीं चाह रहा था बिरयानियाँ और मतलब यू नो वही दावत वाला खाना खाने का। तो हमने क्या किया कि टिक्का मंगाया और ये केक पीना कोलाडा वाला हॉबनॉब का था। द पेटिस वर आल्सो फ्रॉम हॉबनॉब, ये भी बड़े अच्छे थे, डिफरेंट थे चिकन टिक्का बेकी। हमने बिस्किट्स भी मंगाए थे, कुकीज़ जो हमें आजकल बड़े पसंद आ गए हैं वो मैं दिखाती हूँ अभी। ये आप बाकी खाना देख रहे हैं, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, पराठे, रोटी, सेवन अप, सिंपल जो एक आम खाना होता है। बट वी इंजॉयड इट थॉरली क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था चावल वावल और यू नो ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाने का। तो बड़ा मज़ा आया और हमने काफ़ी इंजॉय किया, लाइट भी फील किया। उसके बाद वी वर एबल टू प्ले, नहीं तो बंदा बिल्कुल ही आप हो जाते हैं ना, लेथार्जिक हो जाते हैं अगर आप ज़्यादा वैसे ही चीज़ें खा लें। तो अच्छा रात है, देन वी हैड अ टी टाइम और फिर टी टाइम में हमने जो है वो कुकीज़ निकाले, हम सब के ही फेवरेट हो गए। पहले तो वो हमारी फैमिली के फेवरेट थे, अम्मी भी बड़े शौक से खाती थी लेकिन अम्मी और अदील को भी बहुत पसंद आ गए। तो देखो वही नाइस अच्छे, उसमें मोटे मोटे चॉकलेट चंक्स होते हैं। देन जी हमने खेला मोनोपोली जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त हो गया क्योंकि जीती थी मैं इतना बगैर एफर्ट के जीत के ना, बड़ा ही मज़ा आया। तो और बहुत तेज से हमने खेला क्योंकि अम्मी लोग को घर जाना था। तो अली डिड नॉट प्ले, अली जो है वो बैंक बन गए थे और हम तीनों जो है वो खेल रहे थे। और बहुत ही दिन बाद मतलब हमने खेला था तो लिटरली याद भी नहीं थी आधे से ज़्यादा चीज़ें, तो अली को याद थी तो वो अच्छा था। मतलब अली जो है वो बैंक भी थे और अली जो है वो रेफरी भी थे, सारा कुछ थे तो मज़ा आया। मेरे पास बिल्कुल शुरू में ही ये रेलवे वाले तीन वो हो गई थी तो इसकी वजह से आई थिंक मुझे जीतने में आसानी हो गई। बच गई
20 रुपए अम्मी बैंक रख से अम्मी की जमीन है अदील की जमीन है तो भाई मैं जाके अपने अम्लू का खाना देखना चाह रही हूँ फिर से मुझे उस तरफ बैठना चाहिए था बाहर मेरी बारी आई है अम्मी की बारी है तो देखा हूँ मैं खाना और जी फिर ये मैडम उठ गई थी और ये जो इनका साइन है ना फेस का इट मीन्स शी इज़ हंग्री तो बस फिर इनको हो गया था खाना खिलाने का टाइम हमने थोड़ा सा इनके साथ प्ले किया एंड देन इट वाज फूड टाइम फॉर हर इत्तेफाक से इस दिन भी मम्मा और अमलू की जो है वो समवॉट ट्विनिंग हो गई थी वी वर बोथ वेयरिंग बेबी पिंक लेकिन अमल का जो ये ड्रेस है ये हो सकता है आप लोग में से किसी ने देखा हो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा ये मतलब हर पेज पे नज़र आ रहा था और बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे लेकिन ये काफ़ी बुरी क्वालिटी है मैंने दो सेट ख़रीदे थे तो दूसरा तो मैंने उनसे रिटर्न करने के लिए बोल दिया एक क्योंकि पहले यूज़ हो गया था आई कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट तो जिस पेज से मैंने ख़रीदा था वो तो खैर ठीक थे उन्होंने बोल दिया है कि दे विल टेक इट बैक अदरवाइज अगर भाई किसी ने अभी इरादा किया है तो मैं जा रही हूँ अभी इसको अनबॉक्स करने और इन्फ्लेट करने और ये मैंने लिया था दराज से फ्रॉम दिस सेलर लीड स्पोर्ट्स काफ़ी जल्दी आ गया था ये कब से रखा हुआ है बट इसको खोलने और इन्फ्लेट करने का मौका नहीं मिल रहा गर्मी काफ़ी आ गई है ये इसका साइज है एंड आई हैव नो आइडिया कि अमल के लिए कैसा रहेगा सो लेट्स सी इसको ट्राई करते हैं ओके जी सो ये खुल गया है इसके अंदर एक कोई बुकलेट सी भी मुझे नज़र आ रही है और ये मेरी मेहंदी जो है वो काफ़ी उतर चुकी है मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी अपनी मेहंदी तो इसलिए मैंने उसको व्लॉग वगैरह में ऐड नहीं किया एनीवेज जी ये इसकी बुकलेट है और इन्होंने खैर जो पंप दिखाया है वो इलेक्ट्रिक लग रहा है नहीं हूँ मेरे पास ये वाला है जो बलून्स वाला होता है सो आई एम होपिंग कि इससे काम हो जाए अच्छा भाई इसको जैसा नहीं निकाल सकते ये आ गया जी हाथ में क्या है ये रिपेयर पैच है ये आई होप इसकी नीड ना पड़े कितना बड़ा है ये देख ले रहा है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है कि अमल की इस एज के हिसाब से ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा शायद बट सी कलर्स वगैरह वही हैं जो एडवर्टाइज हुए हैं अब मैं इसको ब्लो करने की कोशिश करती हूँ एंड लेट्स सी कि कितना हो पाता है Where are you going? Whose pool is this? Come here. अमलू को लग रहा है डर इसलिए जो है ना मैंने थोड़ा सा रोका है एंड ऑल्सो जो एक पंप था वो टूट गया पता नहीं बहुत ही चीप बनाते हैं बहुत ही तकलती बनाते हैं सो मेरे पास तीन है वैसे ही है सो जी दिस इज़ हाउ मिकी लुक सेटिंग इन इट विदाउट वाटर दिस इज़ हाउ अनॉयड अमल इज़ अच्छा चलो आ जाओ गाइस दिस इज़ हाउ इट इज़ ये इतना बड़ा नहीं है इस एज के बच्चों के हिसाब से आई थिंक 6 मंथ प्लस के लिए साइज सही है नो नो स्वीटी ये जानू नॉट टू द डिस्पेंसर कम हियर शो बैद ऐसे तो नहीं करते देखो गिर नहीं जाना है जरा मम्मा ने उसको ऑन किया है चला तो ओके गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में अभी आपके लिए वैसे 1.5 मिनट और है ऑफ अमल्स क्यूटनेस ये अपना जो ब्रोकन पियानो है उसको निकाल रही हैं और बार बार बाबा को देख रही हैं बाबा हेल्प कर दें अमल ने बड़ी ही क्यूट क्यूट जो है हरकतें की थी इससे खेलते हुए सो आई रियली वांटेड टू इंक्लूड दैट होप आप लोग इसे इन्जॉय करें टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन्जॉय योर सेल्फ एंड स्टे कनेक्टेड सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक केयर अल्लाह हाफिज़
टर्की डू का 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 का।